गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन. धानूज विलेज. टुडे ऑल द रिलेटिव हैव कम टू धानूज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा. कौन सा फेस्टिवल था? दशहरा. उसके लिए सारे लोग आए थे. सारे रिलेटिव जो है धानू के, वो धानू के घर आए थे. दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलक कार्ट्स. धानूज फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली. सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस. अब ये जो सारे रिलेटिव आए थे, वो आए थे बुलक कार्ट में अपना लगेज उन्होंने उसमें बुलक कार्ट में रखकर लाया था. और धानू के जो फादर थे, वो सबसे बड़े थे घर में, फैमिली में, इसलिए सारे फेस्टिवल उन्हीं के घर पर सेलिब्रेट होते हैं. द धानूज मदर, मतलब आई, द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, मतलब मामा की वाइफ मामी, एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, मतलब काका की वाइफ काके, आर बिजी मेकिंग पुरनपोली. पुरनपोली इज़ अ स्वीट डिश और स्वीट रोटी इज मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम. चने की दाल जो होती है ना, वो और गुड़ मिलाकर इसको बनाते हैं. अलॉन्ग विद धिस इज अ स्पाइसी कड़ी डिश इज ऑल्सो मेड. और पुरनपोली के साथ एक स्पाइसी डिश बनाते हैं, स्पाइसी करी या स्पाइसी कड़ी बोलते हैं उसे. सो देन द डे पासेस इन लाफिंग एंड चैटिंग. पूरा दिन हंसने बटबड़ करने में निकल गया. बट बाई इवनिंग एवरी वंस मूड चेंजेस. लेकिन शाम तक क्या हुआ, सब लोगों का मूड चेंज हो गया. द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगिन टू पैक देयर लगेज. सारे लोग अपने अपने लगेज पैक करने लगे. द मेन सेट डाउन विद द मुकादम. अब ये मुकादम कौन है? अ एजेंट हु लेंड्स मनी, जो उधार पैसे देता है ना एज अ लोन, वो. तो ये सारे जो मेन हैं, वो किसके पास बैठे थे? मुकादम के पास, फॉर द मीटिंग. द मुकादम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द प्लान टेकन बाय ईच फैमिली. सॉरी, द मुकादम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली. और वो जो मुकादम था, वो क्या कर रहे हैं? यस, सब लोगों को वो लोन के सारे डिटेल्स बता रहे हैं. देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन. अब क्या हुआ, आगे के कुछ महीने क्या करना है, उसकी बातचीत चालू हुई. द मुकादम एक्सप्लेन्स टू द विलेजर इन विच एरियाज दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ. मुकादम विलेजर्स को बता रहा था कि नेक्स्ट सिक्स मंथ के लिए उन लोगों को कहाँ जाना है फॉर देयर वर्क. ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी एज अ लोन फॉर देयर एक्सपेंसेस. और ये छः महीने में उनको कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, खर्चा रहेगा, उसके लिए क्या किया था मुकादम, उन्हें पैसे भी दिए उन्हें मुकादम ने. इवर सिंस धानू रिमेंबर्स दिस हैज़ बिन द रूटीन. अब ना, जब से धानू को समझ में आया था, उसने ये चीज़ देखी थी कि ये क्या था, उनका रूटीन हो चुका है ये पूरा. देन नेक्स्ट, फैमिलीज लाइक धानूज वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा बिफोर द रेनी सीजन. देखो यहाँ पे क्या था उनका हमेशा का रूटीन, कि धानू के जैसी बहुत से फैमिलीज थी वहाँ पर, जो क्या करती थी, कहाँ पर काम करती थी, जो बड़े बड़े फार्मर्स रहते थे, रिच फार्मर्स जिनके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, उनके यहाँ पर ये लोग वर्क करने के लिए जाते थे. टिल दशहरा बिफोर रेनी सीजन, रेनी सीजन के पहले जाते थे और दशहरा तक वो लोग वहीं पर काम करते थे. ठीक है. Then many other families also work on such lands. They earn just enough money to keep them going through this month. और ये जो काम करने से उनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, वो उतने महीने का अपना खर्चा निकाल सकते थे, बस उतने ही पैसे उन लोगों को मिलते थे. But how to manage the remaining six month when there is no rain and no work in the fields? अब ये लोग छः महीने काम करते थे फील्ड पर, तो उनके उसको पैसे मिलते थे करे, लेकिन उसके बाद जो छः महीने वो बिल्कुल खाली रहते थे. क्यों खाली रहते थे? बिकॉज देर इज़ नो रेन, बारिश नहीं तो फिर कैसे काम रहेगा फील्ड पर, करेक्ट? तो कोई काम नहीं फिर. सो एवरी वन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकादम. तो फिर वो छः महीने के लिए ये लोग कहाँ से पैसे उधार लेते थे? मुकादम से. देखो वहाँ पर है ना मुकादम बैठा, उसके पास देखो कुछ बुक्स रखी है रेड कलर के, है ना, हाँ, उसमें मुकादम सब लिख के रखता है. चलो, देन टू पे बैक दिस मनी. अब देखो पहले छः महीने फ्री है सपोज ये लोग, तो उसके लिए वो लोग पैसे लेते हैं किसके पास से? मुकादम से. अब उसके मनी तो उसको वापस करने पड़ेंगे ना. सो टू पे बैक दिस मनी, ये जो मनी वापस करने हैं पैसे, दे हैव टू वर्क फॉर द मुकादम. तो उन्हें क्या करना पड़ता है? मुकादम के लिए काम करना पड़ता है, जहाँ पे मुकादम बोलेगा वहाँ पर. मुकादम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्री. इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए. हाँ, तो ये मुकादम कौन है? एक एजेंट है फॉर शुगर केन फैक्ट्री. शुगर केन आपको पता है? यस,
गन्ने होता है शुगर कैन मतलब, और उनकी जो फैक्ट्रीज रहते हैं वहाँ पर उसका जूस निकालते हैं, फिर उसको गुड़ बनाते हैं, तो उनके लिए उनको क्या चाहिए है? होते हैं वर्कर्स। तो वहाँ पर ये जो थे मुकादम, ये क्या है, मुकादम वहाँ का एजेंट है। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर कैन फील्ड। अब ये वहाँ का एजेंट है तो ये क्या करता है, इन सारे लोगों को वहाँ पर शुगर कैन फैक्ट्री में काम दिलाने का काम करता है, शुगर कैन फैक्ट्री और शुगर कैन फील्ड में, स्पेशली शुगर कैन फील्ड में। चलिए, टेल डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुज विलेज हैव देयर ओन लैंड। सही में होती होंगी सब लोगों की, किसी की होती होगी लेकिन सब लोगों की नहीं होती होंगी। सुनो, ड्यूरिंग वॉट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुज फैमिली गेट वर्क इन द विलेज। कब जाते थे वो लोग, बिफोर रेनी सीजन टिल दशहरा। देन ड्यूरिंग वॉट टाइम डिड दे नॉट हैव वर्क, और रिमेनिंग सिक्स मंथ दे डोंट हैव एनी वर्क। वाई? बिकॉज देर इज नो रेन एंड नो वर्क। देन डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज लाइक धानुज हु हैव टू लिव देयर विलेज फॉर मंथ इन सर्च ऑफ वर्क। है अभी हम लोगों को तो नहीं पता, जिनको पता होगी वो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, थिंक एंड फाइंड आउट। इफ पीपल इन धानुज विलेज डिड नॉट लिव द विलेज इन द सर्च ऑफ वर्क, वॉट डिफिकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज। अगर इन लोगों ने ऐसा फिक्स किया धानुज के विलेज में, जो फैमिलीज हैं, कि हम लोगों को कहीं पर जाना नहीं है, यहीं पर रहेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, कौन से डिफिकल्टी फेस करेंगे? सबसे पहले अनेबल टू अर्न मनी, करेक्ट। देन खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, और अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, एजुकेशन भी नहीं मिलेगा। सो दीज आर द डिफिकल्टीज। देन इन धानुज विलेज देर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देर इज नो रेन। बराबर है ना, बारिश ही नहीं आएगी तो फार्मिंग कैसे करेंगे? डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर? हो सकता है ऐसे? हो सकता है, यस। हाउ? तो अगर बारिश नहीं है तो फिर ऐसे टाइम पर हम लोग कहाँ का पानी यूज़ करते हैं? यस, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे अगर रिवर है तो रिवर से कैनल निकाल कर लाते हैं, तो वहाँ से पानी आ जाता है। देन ट्यूबवेल है, वेल्स हैं। देन नेक्स्ट पेज, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ धानु हिज पैरेंट हिज काका, काका मतलब फादर के भाई, एंड हिज टू एल्डर चिल्ड्रन His mama, mommy and their two daughters and 40-50 other families from the village will stay away from home. अभी देखो, मुकादम ने सब फिक्स कर दिया, उनको बता दिया उनका एरिया कि कहाँ पर जाना है भाई, कहाँ पर काम करना है। तो अभी कुछ महीने के लिए ये सारे लोग निकल पड़े। कौन कौन था उसमें? धानु, उसके पैर, उसके काका, उनके दो चिल्ड्रन एल्डर, मामा मामी, उनके दो डॉटर, और बाकी गांव के जो कुछ फैमिलीज थी, अराउंड 40-50, अंडरलाइन दैट 40-50 फैमिलीज, ओके। देन इन दिस सिक्स मंथ, अब इस छः महीने के लिए क्या था, धानु एंड मेनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। अब देखो, बच्चे गांव छोड़कर जा रहे तो स्कूल कैसे जाएंगे, तो स्कूल नहीं जा सकते इसमें। धानुज ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कैन नॉट सी एंड टू मंथ ओल्ड कजन सिस्टर वुड स्टे बैक इन द विलेज। सब लोग गए थे लेकिन जो एल्डर थे, जैसे ग्रैंड मदर है, वो तो हर जगह पर घूम नहीं सकती है ना, उनको तो आराम चाहिए होता है, एक आंट उसकी जो देख नहीं सकती, और दो मंथ की उसकी कज़न सिस्टर, ये सारे विलेज में ही रुके। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड, और बाकी घरों में भी जो एल्डर लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे और जो बीमार थे, वो लोग घर पे ही रुके। धानु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, बट वॉट कैन धानु डू। अब धानु सोचता रहता था कि यार मेरी ग्रैंड मदर घर पर है, लेकिन उसको उनकी उनका देखभाल कौन करेगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, करेक्ट ना, कुछ भी नहीं कर सकेगा वो। चलिए, थिंक एंड आंसर। धानुज फैमिली एंड मेनी अदर्स फ्रॉम द विलेज गो फॉर अवे फॉर वर्क, करेक्ट, बट सम पीपल स्टे बैक इन द विलेज। व्हाई डज दिस हैपन? ठीक है, अब ये लोग क्यों नहीं गए थे? सबसे पहले तो एक बात है कि दे कैन प्रोटेक्ट देयर हाउस, अगर वो लोग रहे हैं दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर कैटल्स, एंड सेकेंड थिंग टू टेक केयर ऑफ एल्डर पीपल। देन नेक्स्ट, व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लिव द विलेज फॉर सिक्स मंथ, वॉट हैपन्स इन द विलेज स्कूल। अब ये जो बच्चे हैं धानु और बाकी के चिल्ड्रन तो जा नहीं सकते स्कूल में, लेकिन अदर चिल्ड्रन मतलब जो बिग फार्मर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो तो स्टूडेंट जाते होंगे स्कूल में, तो स्कूल तो बंद रहती नहीं होगी, करें? देर इज़ नो स्कूल फॉर धानु एंड अदर चिल्ड्रन, लेकिन जो बाकी के बच्चे थे, बाकी के स्टूडेंट थे, वो तो जाते थे। वॉट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क? क्या करते हैं, एक तो घर में कोई तो भी रहता ही है, और अगर नहीं है तो क्या रखते हैं, केयर टेकर।
After Dashera, the caravan of these families would now settle near the sugarcane fields and sugar factories. अब इनका जो पूरा कैरावन है पूरे फैमिलीज का वो कहाँ पर सेटल हो गया? यस, शुगर केन फील्ड और शुगर केन फैक्ट्रीज के पास में. फॉर 6 मंथ दे वुड स्टे इन देयर हट्स. अब उन्हें 6 महीने के लिए वहीं पे रहना है, ठीक है. और हट्स किस चीज़ से बनी हुई है? हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स. द मेन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या करना है जेंट्सों को? सुबह सुबह जल्दी से उठा, वो लोग क्या करेंगे, जल्दी से उठेंगे एंड गो टू कट शुगर केन इन द फील्ड. फील्ड में जाएंगे, वहाँ पर शुगर केन कट करेंगे. देन द वेमेन एंड चिल्ड्रन, उनका क्या काम है? टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन. इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए. देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री. और फिर वो जो बंडल्स हैं वो कहाँ पर लेकर जाने हैं? शुगर फैक्ट्री में. आपको ना नेक्स्ट पेज पर एक पिक्चर दी है, उसमें देखो दिखाई दे, ये देखो मेन्स हैं जो शुगर केन कट कर रहे हैं और बच्चे और लेडीज हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बंडल बांध रहे हैं. Then the bundles are taken to the sugar factory. Dhanu often goes with his father. Dhanu भी बहुत बार अपने पापा के साथ जाता है. Sometimes they spend night outside the factory on bullock cart. और कभी कभी ऐसा ही भी होता है कि वो पूरी रात भर वहीं पर फैक्ट्री के बाहर बुलक कार्ट में पूरी रात निकालते हैं. There Dhanu plays with the bullocks and vendors around. अब इतने टाइम में Dhanu क्या करेगा? वो वहाँ पर जाके तो खेलता है बैलों के साथ या फिर इधर उधर घूमता है. एट द फैक्ट्री धानुज फादर गेट द शुगर केन वे एंड टेक्स अ रिसिप्ट. अब देखो वहाँ पे जाके क्या करना है, जो भी इन लोगों ने शुगर केन लेकर गए हैं वहाँ पर उसका वेइंग होता है और वहाँ पर एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें लिखा रहता है कि कितना वेट था शुगर केन का. रिसिप्ट मतलब अ नोट टू सी हाउ मच शुगर केन दे हैव गिवन, कितना शुगर केन वहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर वेट. दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट. वो रिसिप्ट किसे दिखानी है? एजेंट को. हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, जो क्या करता है उनके लोन अकाउंट मैनेज करता है. देन द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस. और एजेंट भी थोड़े से उनको पैसे देता है ताकि आगे का वीक के लिए उनको खर्चा मिल सके. देन धानुज आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट. अब पैसे मिलने के बाद क्या करते हैं वो लोग? धानु की आई मतलब उसकी मम्मी और मामी बच्चों को लेकर कहाँ गए हैं? यस, विलेज मार्केट. किस चीज़ के लिए? टू बाय आटा फ्लोर एंड ऑयल फॉर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के लिए आटा और तेल लाते हैं. देन समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन. और कभी कभी क्या करती है मामी, क्या लेती है? लड्डू और कुछ स्वीट लेती है बच्चों के लिए. शी ऑल्सो बाइज पेंसिल एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु. After all, he is mommy's favorite. अब धानु तो मामी का फेवरेट है तो वो क्या ले, हाँ तो वो क्या करती है, वो बाजार से पेंसिल इरेजर नोटबुक भी लेती है. बट धानु won't be using this for 6 months. क्यों नहीं यूज़ कर सकता हो? क्योंकि स्कूल ही बंद है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता. Because he won't be going to school. Then, mommy wants धानु to study and become somebody in life. अब मामी को क्या चाहिए, वो क्या चाहती है कि धानु अच्छे से पढ़ाई करे और कुछ बने. शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विथ हिज फैमिली लाइक दिस. उसे बिल्कुल पसंद नहीं और वो नहीं चाहती कि धानु ऐसे ही इधर उधर घूमे फिरे. मामा एंड मामी टेल धानुज पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लिव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लिव धानु विथ हिज चाची, दादी एंड चाची. मामा मामी ने क्या कहा उसके पापा को कि नेक्स्ट टाइम जब हम विलेज छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दशहरे के बाद जब निकलेंगे हम लोग तो हम धानु को वहीं पर उसकी दादी और चाची के साथ रख देंगे. क्यों? सो दैट ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज, ताकि उसकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम ना आए, उसकी पढ़ाई कंटिन्यूसली होती रहे. ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज, ही स्टूड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी. वो चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और कुछ बन कर दिखाए. देन नेक्स्ट पेज, Why does mommy wish that Dhanu should go to school for the whole year and study? क्यों चाहते हैं? Yes, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए. फिर क्या होगा? Yes, वो चाहते हैं कि उससे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा पढ़ेगा, then he will get good job. और फिर वो independently अपना काम कर सकेगा और उसको अर्निंग भी अच्छी होगी और उससे क्या होगा, सोसाइटी में या फिर उनकी कम्युनिटी में एक रेपुटेशन रहेगा उसका कुछ. Then, what happens when you are not able to go to school for a long time? क्या होता है
जो स्कूल की जो स्कूल में जो पढ़ाते हैं उससे उसके साथ आप कोप अप कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हैं। या फिर कैसे होता है, कुछ कुछ बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं, किसी की मम्मी पापा कोई भी पढ़ा देते हैं। चलिए, डिस्कस एंड राइट। धानु हैज़ टू गो विथ हीज विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस। कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट धानु कंटिन्यू हिज स्टडी? वॉट का? अब ये धानु जो जाता है विलेज पीपल के साथ इधर उधर, तो स्कूल बंद रहती है उसकी, मतलब वो अब्सेंट रहता है 6 महीने। तो यहाँ पे पूछा कि कुछ अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या नए वाले स्कूल में, सॉरी नए वाले विलेज में कर सकते हैं? यस। कैसे करेंगे कि अगर 6 महीने के लिए वो जिस भी विलेज में जाते हैं वहाँ के स्कूल में उसको एनरोल कर दिया जाए, वहाँ पर एडमिशन ले लिया जाए, करेक्ट ना? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला ये है एनरोल इन अ स्कूल इन अ न्यू टाउन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इवनिंग स्कूल। पता है आप लोगों को इवनिंग स्कूल भी होती है, जो बच्चे दिन भर काम करते हैं वो शाम को जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। चलो, डू यू नो ऑफ एनी जॉब वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मेनी मंथ? है क्या ऐसे कुछ जॉब जहाँ पर लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपने फैमिलीज को छोड़कर कितने सारे मंथ के लिए, साल के लिए? है कुछ? यस, आर्म फोर्सेज, देन मर्चेंट नेवी, है ना, इसमें होता है ना ऐसा। देन लुक फॉर द एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक एंड राइट। ठीक है, देन वॉट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर? अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर फार्मर्स के बारे में बोला है, तो अलग अलग टाइप के फार्मर्स होते हैं, तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होगी और क्या डिफरेंसेस? अभी सिमिलैरिटीज़ में एक तो है कि हो सकते मैक्सिमम फार्मर्स कैसे रहते हैं, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, पूरे के पूरे फार्मिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये उनकी सिमिलैरिटीज़ मैं बता रही हूँ पहले। देन सेकेंड थिंग इज़ इलिटरेट रहते हैं, देन दे यूज़ प्रिमिटिव मेथड फॉर फार्मिंग, मॉडर्न मेथड यूज़ नहीं करते। और डिफरेंसेस क्या है, कुछ फार्मर्स दे ओन देयर ओन लैंड, मतलब उनकी खुद की लैंड रहती है। देन दे आर लिटरेट, सम आर लिटरेट अमंग देम, एंड देन दे यूज़ मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट फॉर देयर फार्मिंग।